नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश में एक बार फिर मोदी सरकार बन गई है और इस बार मोदी सरकार नई संसद में बैठेगी। पर संसद भवन के लोकसभा में ये सांसद बैठेंगे कहां? इनके बैठने की व्यवस्था कैसी होगी और इसको कैसे तय किया जाएगा? क्या कभी आपने इसे जानने की कोशिश की है? क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था एक नियम के अनुसार की जाती है। लोकसभा की बात करें तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कौन सा सदस्य कहां बैठेगा, लेकिन इसके लिए एक नियम बनाया गया है और तो और इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाया गया है जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तय की गई थी। इनमें से 530 सदस्य अलग अलग राज्यों से चुनकर आते थे और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिजर्व थी। 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए निर्धारित थीं, जिन पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करते थे। अब ये व्यवस्था खत्म की जा चुकी है। फिलहाल लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है और इनके लिए चुनाव होते आ रहे हैं। इस बार भी 543 सीटों पर चुनाव हुए। लोकसभा में आमतौर पर स्पीकर के आसन के दाईं ओर की कुर्सियों पर सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य बैठते हैं। विपक्षी सांसद स्पीकर के बाईं ओर की सीटों पर बैठते हैं। स्पीकर के सबसे आगे एक टेबल पर लोकसभा सचिवालय के अफसर बैठते हैं, जो सदन में दिन भर की कार्यवाही का लेखा जोखा और पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियम 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य स्पीकर द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार बैठते हैं, पर इस नियम को आज हम आपको बताएंगे क्योंकि इस संबंध में जरूरी निर्देश क्लॉज 122A में दिया गया है। इसी क्लॉज से स्पीकर को यह अधिकार मिलता है कि वे किसी पार्टी की लोकसभा में सीटों की संख्या के आधार पर उसके सदस्यों के लिए बैठने की जगह तय करें। व्यवस्था करते समय स्पीकर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वरिष्ठ सदस्यों को आगे की ओर बैठने की जगह मिले, चाहे वो किसी भी दल के सदस्य हों। लेकिन कौन कहां बैठेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है इसे भी समझिए। स्पीकर किसी भी पार्टी के सदस्यों की संख्या के आधार पर उनके बैठने की जगह तय करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला लाया जाता है जिसमें किसी पार्टी या गठबंधन के पास कुल सीटों को उस लाइन की कुल सीटों की संख्या से गुणा किया जाता है, जिसके बाद जो संख्या आती है उसे लोकसभा की कुल संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। ये फॉर्मूला 5 या उससे ज्यादा सीटों वाली पार्टी पर ही लागू होता है। अगर किसी दल के सदस्यों की संख्या 5 से कम है तो स्पीकर और दल के नेता आपसी सहमति से उनके बैठने की सीट तय करते हैं। स्पीकर किसी पार्टी के सदस्य की वरिष्ठता को देखते हुए उसे पहली लाइन में जगह दे सकता है। 2014 में सपा के मुलायम सिंह यादव और जेडीएस के एचडी देवगौड़ा को आगे की लाइन में जगह दी गई थी क्योंकि वो वरिष्ठ थे, जबकि उनकी पार्टी के पास आगे की लाइन में बैठने लायक संख्या बल नहीं था। फिलहाल नई लोकसभा बनने पर कई तरह के संसदीय काम रहते हैं, जैसे प्रोटेम स्पीकर का चुनाव, कौन सा नेता किस जगह पर बैठेगा और कौन सा नेता किस जगह पर बैठेगा। ये फॉर्मूला तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन अब बताते हैं कि इन सबसे पहले होता है प्रोटेम स्पीकर का चुनाव। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का पद क्या है, इसका चुनाव कैसे होता है और इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की क्या जिम्मेदारियां रहती हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 के दूसरे प्रावधान के अनुसार स्पीकर का पद नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले खाली हो जाता है। उस स्थिति में स्पीकर की जिम्मेदारियों को सदन के ही एक सदस्य को निभानी होती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। नई सरकार के बनते ही वरिष्ठ सदस्यों की एक लिस्ट बनाई जाती है। यह वरिष्ठता उनके उम्र के आधार पर नहीं होती, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में उनके कार्यकाल के आधार पर उनकी वरिष्ठता तय होती है। इन नामों की लिस्ट आगे प्रधानमंत्री को सौंप दी जाती है। वो एक सदस्य की पहचान प्रोटेम स्पीकर के रूप में करते हैं। इसके अलावा 3 और सदस्यों को पहचाना जाता है जिनके सामने बाकी के मंत्री शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद इन पदों के लिए चुने गए सदस्यों की सहमति भी ली जाती है। ये काम संसदीय कार्य मंत्री करता है। इसके बाद मंत्री राष्ट्रपति को एक नोट सौंपते हुए प्रोटेम स्पीकर और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति पर उनकी मंजूरी मांगता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद प्रोटेम स्पीकर और 3 सदस्यों को शपथ दिलाने की तैयारियों का काम शुरू हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ये शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में होता है। कार्यक्रम की व्यवस्था और लोगों को निमंत्रण भेजने का काम राष्ट्रपति सचिवालय का होता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जैसे गणमान्य लोग इस दौरान राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहते हैं। बाकी के 3 सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है।
लोकसभा का सत्र सुबह 11 बजे शुरू होता है, इसलिए आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण उसी दिन सुबह 9:30 बजे आयोजित किया जाता है। परंपरा के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के साथ नामित प्रोटेम स्पीकर के आवास पर शपथ के तय समय के आधे घंटे पहले जुटते हैं। राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए लोकसभा सचिवालय की तरफ से कार की व्यवस्था की जाती है। अब ये सुनते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है, जिसे संसद या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता यही करता है। संचालन के अलावा सदन में चुनकर आए नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। इस काम में स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 सदस्यों की मदद मिलती है। संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव और मतदान कराने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर की होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। चलिए, ये तो बात हुई प्रोटेम स्पीकर की। अब बात करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कैसे चुना जाता है और लोकसभा स्पीकर क्या काम करता है। दरअसल भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष पद का जिक्र है। सरकार गठन होने के बाद लोकसभा सांसद जल्द से जल्द अपने में से 2 सांसदों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनते हैं। स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि सदन की बैठकों का संचालन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। सदन में व्यवस्थाएं बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है और इसके लिए वे निर्धारित नियमों के तहत कार्यवाही भी कर सकता है। इसमें सदन को स्थगित करना या निलंबित करना भी शामिल है। बैठक का एजेंडा क्या है, किस बिल पर कब वोटिंग होगी, कौन वोट कर सकता है, जैसे तमाम मुद्दों पर अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर का ही होता है। विपक्ष के नेता को मान्यता देने का काम भी स्पीकर का ही है। जब सदन चल रहा होता है तो सैद्धांतिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी पार्टी से जुड़ा ना होकर बिल्कुल निष्पक्ष होता है, इसलिए यह सबसे खास होता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर सदन के नियम क्या हैं और जब नई संसद में पहली बार मोदी सरकार बैठने जा रही है तो ये कितना खास होने वाला है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।